मध्य प्रदेश में लो प्रेशर एरिया, मॉनसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में 21 जून को मॉनसून की एंट्री हुई थी, इसके बाद से प्रदेश में अच्छी बारिश का सिलसिला जारी है। अब तक 23.3 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है, जिससे नदियां और तालाब उफान पर हैं। 10 बड़े बांध भी लबलबा हो चुके हैं और इनके गेट खोलने पड़े हैं। रविवार को प्रदेश के 25 अधिक जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश ग्वालियर में 1.8 दर्ज की गई है, जबकि पंचमढ़ी में 1.7 इंच, शिवपुरी और शाजापुर में 1.5 इंच, गुना में 1.1 इंच, टीकमगढ़ में 1.2 इंच और सीहोर में 1.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज नर्मदापुरम, रायसीन, बैतूल, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, दामोह, सागर और छतरपुर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं सीहोर, विदिशा, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, इंदौर, देवास, शाजापुर, आगर, मालवा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, टीकमगढ़, निवासी, मैहर और पांडूर्णा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।